नमस्कार दर्शकों, खबर संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। और दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, इतना कहना चाहती हूं कि सोनीपत पार्लियामेंट हरियाणा के वो प्रिय सांसद हैं, लोगों के प्रिय सांसद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री रमेश चंद्र कौशिक जी की। तो चलिए, आप और हम सबसे पहले मिलकर कौशिक साहब का स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग 30 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में आपको, तो राजनीतिक सफर की सर शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने राजनीति जो सफर है वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया और उसके साथ साथ लगातार आगे बढ़ता गया। पहला विधानसभा चुनाव 91 में हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा, जिसके प्रेसिडेंट चौधरी बंसीलाल थे, और उसके बाद फिर 96 में फिर चुनाव लड़ा। हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ा था और उसमें हमने सरकार अपनी बनाई और चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मैं उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हुआ। उसके बाद हमने फिर कांग्रेस को ज्वाइन किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौटाला के साथ चली गई थी। हम बाद में कांग्रेस में आए और कांग्रेस को ज्वाइन किया और 2005 में फिर चुनाव जीता और सरकार भी बनी और उसमें भी शामिल रहा। उसके बाद 2013 मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव जीता और उसके लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और तेजी से विकास के रास्ते पर चले गए। जी हाँ सर, चूंकि हरियाणा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपने जो है करारी शिकस्त दी थी, बहुत अच्छे वोट बैंक आपके पास था जिसे आपने जीत हासिल की, तो सर ये जो अपने आप में एक अनुभव रहा है कि जीत का जो आत्मविश्वास ये रहा, और चूंकि इतने कद्दावर नेता को शिकस्त दे के जो जीत हासिल की, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वोटरों को और सोनीपत पार्लियामेंट हल्के लोगों ने जीत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने तत्व जो हमने विकास का काम पिछले 5 साल में किया था उसके प्रति लोगों में रुझान था, उसी ने ये उन लोगों की जीत है। क्योंकि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जहाँ एक भी नया नेशनल हाईवे आज़ादी के बाद हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में नहीं बना था, आज 10 नेशनल हाईवे पार्लियामेंट क्षेत्र में बने हैं। चारों तरफ नेशनल हाईवे होगा एक चार सा बिछा है और उसमें एक विकास का नया रास्ता दिया गया है। KMP और KGP भी सबसे पहले नवंबर में 5 नवंबर 2015 को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली की थी, उन्हीं से शिलान्यास करवाया था और आज मुझे खुशी है कि उन दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, उद्घाटन भी करवा दिया है और नंबर 1 नेशनल हाईवे का काम भी अब आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। फिर हमारा सोनीपत से जमुना से ले गए खरकोता जो देहरादून एक्सप्रेस वे में मिला हुआ है, वहाँ से लेके खरकोता होता हुआ सांपला और झज्जर तक का भी रोड कंप्लीट हो गया है। उसका उद्घाटन भी पिछले दिन माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने, उस दिन 4 रोड हमारे क्षेत्र के थे जो कंप्लीट हुए थे, उनका उद्घाटन किया था। तो रोड के मामले में सोनीपत के लिए जीन घुमाना सोनीपत ग्रीन हाईवे है, उसका काम भी लगभग 60-70-80% पूरा हो चुका है, वो भी अगले साल पूरा हो जाएगा। रोहतक जुड़ाना जींद है, फिर जींद से हमारा असंद करनाल था वो पूरा हो गया है, जींद से भिवानी था वो पूरा हुआ है और जो कोटकपूतली राजस्थान से चल कर सीधा अंबाला गया है वो रोड भी हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ जो कटड़ा वाला दिल्ली से कटड़ा है वो उस पर काम तेजी से चल रहा है, आने वाले समय में वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। चाहे जीन का बाईपास था, हमने विकास का नया रास्ता दिया है। दूसरा रेलवे का कोई प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में नहीं लगा था, पूरे हरियाणा में सबसे पहला प्रोजेक्ट सोनभद्र में रेल कोच फैक्ट्री के रूप में कंप्लीट हो गया है, उसका उद्घाटन अभी जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा होने वाला है। इसी तरह रेल का कंटेनर डिपो है जहाँ से माल दुनिया के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं, वो हमारा काम पूरा हुआ है।
चाहे इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ्रूट मंडी है, जींद में मेडिकल कॉलेज है, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण है, रेलवे लाइन थी सोनीपत गोहाना जींद वो पूरी की, और आज सोनीपत गोहाना जींद को बिजली किया गया है, रोहतक चुनाना जींद को बिजली की किया गया है, और रोहतक से पानी गोहाना पानी पथवाड़े को भी विद्युतीकरण किया गया है, और हमारी जींद से सपीदो पानी उसको भी विद्युतीकरण किया गया है, और जो ग्रीन हाईवे सोनीपत गोहाना जींद है उसको अब हम जो देहरादून एक्सप्रेस वे है उसमें डायरेक्ट वहाँ से मिला रहे हैं, सोनीपत से जहाँ हरिद्वार जाना हो देहरादून जाना हो तो 2 घंटे का रास्ता फुल बचेगा। तो इस तरह से हमने विकास का नया रास्ता दिया। सोनीपत में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो कुल अब लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़ता पासपोर्ट ऑफिस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी नहीं थी वो बना। मैं प्रेस के सामने भी एक बात कहता हूँ, भाई मेंबर पार्लियामेंट का कोई काम बचा हो मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और प्रेस के साथ मुझे बार बार कहता हूँ, आपको कहता हूँ आप पता कर सकते हो लोगों को इसको बचाया गया। तो हम विकास का एक नया रास्ता अपने क्षेत्र को दिया है। आज मारुति फैक्ट्री खरकोदा में उसको जमीन अलॉट हो गया, अगले 3-4 साल में वो लगे तैयार हो जाएंगे। इतना तेजी से विकास सोनीपत क्षेत्र का हुआ है, चाहे खरकोदा हो, जो आने वाला मानेसर होगा, चाहे सोनीपत हो, चाहे गन्नौर हो, चाहे गोहाना हो, हमने विकास का नया रास्ता दिया है। और अपना एक ही लक्ष्य होता है सिर्फ काम करना, उसी में हम लगे रहते हैं। ये हमने विकास का नया मॉडल वहाँ पर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। इसी तरह हमारी प्रदेश की सरकार है वो भी लगातार मेहनत कर रही है, और बहुत सारी स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने जो दी हैं, चाहे मुद्रा ऋण योजना है, चाहे हर घर में उज्ज्वल योजना थी, तो ये सारी योजनाएं इतनी दी हैं आयुष्मान भारत में, ये सब काम ऐसे हैं जो तेजी से सरकार ने किए हैं। और जो लक्ष्य था अगर हम आखिरी आदमी तक पहुंचना है उस तक ये सरकार पहुंच रही है, चाहे कोरोना टाइम में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने की बात हो, और कोरोना काबू आना हो, वैक्सीन फ्री देना हो पूरे देश में, ये सारी हमारी सरकार के मुख्य लक्ष्य और देन है। जी हाँ सर, शायद इसीलिए आप जो है प्रिय सांसद कहलाते हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जो विकास कार्य अभी आपने बताए हैं वाकई में वो इतनी तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंडर में और सर के अंडर में ये जो विकास कार्य है बहुत जल्द हो रहे हैं। सर अभी तक 2014 के बाद से अभी तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं, क्षेत्रीय कार्य हुए हैं वो आपने बताए, आगामी आपकी क्या योजना है, आगामी सरकार आगामी क्या सारे योजना है? वो काम पूरे कर रहे हैं। जी हाँ, और सोनीपत का हम तेजी से इंडस्ट्री का विकास कर रहे हैं। आज हमारा चाहे राई हो चाहे कुंडली हो, वो गुड़गांव की तरफ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे खरकोदा हो, तो ये ऐसे क्षेत्र है जो इंडस्ट्रिया बहुत ज्यादा हमारी साइड में आ रही है, और बहुत तेजी से हमने इसका विकास किया है। और हरियाणा में मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र एक और खास बात है, आज जैसे वो लोग गेम चल रहे हैं, गेमों में जितने मेडल टोटल देश में आते हैं 50% हरियाणा के, और 50 में से सोनीपत मेरी अकेली पार्लियामेंट से आते हैं। खेलों में हमने नया आयाम स्थापित किया है, जो कि हमारी पॉपुलेशन 2% होगी, हरियाणा की कमी होगी, लेकिन मेडल में हमारा हिस्सा 50% से ज़्यादा है। ये हर तरह से, यही सेंटर पुल में नाच देने की बात हो, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, वो भी हम पंजाब के बाद हम ही सबसे ज़्यादा उसमें देते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी हमने काफ़ी विकास किया। जी हाँ, तो ये सर एक सवाल में महिला सशक्तिकरण को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी। हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि महिलाओं का जो दर्जा है वो पुरुषों के समान होना चाहिए, समाज में महिलाओं को जो है बराबर का अधिकार और हक देना चाहिए। आपके जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जाता है? हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था वो भी हरियाणा से शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत गए थे वहाँ से शुरुआत की थी। पहले हमारे में जो महिलाएं की संख्या कम होती थी, लेकिन अब हमने उसको तेजी से बढ़ा के हम देश के लेवल पर लाए हैं, उसमें भी हमने बहुत काम किया है। और पहली महिला यूनिवर्सिटी अगर है तो वो मेरे क्षेत्र में खानपुर महिला यूनिवर्सिटी, और मैंने एजुकेशन का बहुत बड़ा हब सोनीपत में, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के रूप में है, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी है, चाहे SRR यूनिवर्सिटी है, चाहे ये डिजाइन वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी, जितना भी आज एजुकेशन का बहुत बड़ा हब सोनीपत में 12 यूनिवर्सिटी अभी तक जो अच्छी से अच्छी है
हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे सीआर यूनिवर्सिटी है, इस तरह से यूनिवर्सिटियों का एक नया दौर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब हमने बनाया है। चलिए, ये बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ ये बात है कि एजुकेशन हब भी जो है सोनीपत बनने जा रहा है, लेकिन सर अभी भी कुछ हमारे समाज के जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित होता है कि एजुकेशन के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद जो प्लेसमेंट मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती है, जिस वजह से जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति आ जाती है। स्टार्ट इंडिया, स्किल इंडिया के रूप में बहुत सारी स्कीमें की है, जो करना चाहता है करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत काम है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां पर करना चाहे तो काम हो। जी हाँ, तो यानी यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा स्कोप है हरियाणा में। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको हरियाणा के अंदर जरूर ट्राई करना चाहिए। और सर, आजादी का चूंकि ये अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ है, पूरा देश जो है जश्न के रूप में इसको मनाने की तैयारी कर रहा है, सर आपके यहाँ पर क्या कुछ? प्रधानमंत्री जी आज हर घर तिरंगा, जो 75वां आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हर घर पर हम तिरंगा लगा रहे हैं और पेड़ लगाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 5 लाख पेड़ हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में हम लगा रहे हैं, जिनमें काफी लग चुके हैं और उसको तेजी से, और हर घर में तिरंगा लगाने का काम भी तेजी से लोग अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, और इससे देश की एकता और मजबूती का एहसास होता है। इसमें प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी लगन और मेहनत से सब लगे हुए हैं और हर तबके का लोग आज तिरंगे से प्यार करता है। जी हाँ सर, चलते चलते हमारे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समाज जो है जो उन्नति की कामना करता है वो उन्नति प्राप्त कर सके? तो यही है, अगर लोग आज के दिन सच्ची मेहनत करें तो उसको कोई पीछे नहीं रोक सकता। हमारे पहले नौकरियां में गड़बड़ हुआ करती, आज नौकरी मेरिट के आधार पर होती है। और ये भी मैं बताऊँ, हमारे यहाँ से लड़कियाँ सबसे ज़्यादा IAS और IPS में या सर्विस में आ रही हैं, तो जो करेगा उसको कोई कमी नहीं है। आदमी पढ़े, मेहनत करे, तो कुछ भी अगर टारगेट सही हो तो उसको प्राप्त कर सकता है, मैं तो ये कह सकता हूँ। क्योंकि हम अपने हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल तक नहीं था, हम पढ़ने जाते थे 2 किलोमीटर पैदल जाके, जब पढ़ाई करते थे उसके बाद कर ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज सोनीपत से की, ला मेरठ यूनिवर्सिटी से, अगर पढ़ाई की तो कर ली, अगर हम लगन और मेहनत करें तो आदमी कुछ भी कर सकता है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। जी हाँ सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र कौशिक जी, जो कि हरियाणा सोनीपत पार्लियामेंट के सांसद रहे हैं, प्रिय सांसद रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर अब तक किस तरह से विकास कार्य हो रहा है। और हमारी यंग जनरेशन को भी उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर सच्ची मेहनत और लगन आप रखते हैं साथ में, तो आपको कामयाबी का शिखर छूने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। फिलहाल अनुमति चाहती हूँ, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।